देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष जोगिंदर अवाना आज पाली जिले के रिसानिया पहुंचे, जहां धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद सरवार गांव बस स्टैंड स्थित सार्वजनिक प्रतीक्षालय का उद्घाटन किया। इस दौरान विधायक खुशवीर सिंह जोजावर, पूर्व सरपंच कैलाश मालवे सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी मौजूद थे। अवाना ने हमारे संवाददाता लक्ष्मी नारायण माली से बातचीत करते हुए कहा कि चिंतन शिविर के द्वारा हम 2024 का चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं और निश्चित रूप से हमें जीत मिलेगी। वहीं अवाना ने कहा कि देवनारायण बोर्ड विभाग के कई प्रकार की योजनाओं पर काम कर रहा है। हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कई योजना चला रखी है। अवाना राज्यसभा चुनाव को लेकर कहा कि आगामी 10 जून को होने वाले चुनाव में भी हम राज्यसभा में कम से कम 3 सीटों पर अपनी जीत हासिल करेंगे, उसी के साथ 34 सीट भी हथिया लेंगे। किस मंशा से आपने ये बढ़ाया है और कितने की लागत लगी है, क्या इसमें आगे आपके क्या और प्रोग्रेस रही है? हमारे पिताजी के 12वीं पुष्य तिथि में बनाया गया। करीबन लागत 5 लाख। क्या विचार आया था आपके? पिताजी के जाने के बाद उसके पुष्य तिथि में बनाना था, इसलिए हमने बनाया। आगे और कुछ नया करने में इसमें? आगे आगे आप कैमरा लगाए? कैमरा लगाया हुआ है, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और अभी ये प्रतीक्षालय बनाया। हाँ सर, राजस्थान सरकार की योजना के बारे में क्या कहेंगे चाहेंगे? आपका जो चिंतन शिविर चल रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, चिंतन शिविर जो चल रहा है, चिंतन शिविर का आप रोज़ देख ही रहे हैं कि कल से शुरू हुआ, आज है और कल भर है। तो मैं समझता हूँ कि जो ताज़ा अपडेट हैं वो तो आपको खुद ही मिल रही होंगी वहाँ से। हम लोग को क्योंकि वहाँ AICC के ऑफिस बेरर, हमारे पूरे देश के जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो, और प्रदेश अध्यक्ष और हमारे जो अन्य सीनियर लीडर हैं जो AICC के ऑफिस बेरर हैं, वो लोग गए हैं, उसके बारे में वो बताएंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि जिस तरह से चिंतन शिविर चल रहा है, कांग्रेस पार्टी पूरी गंभीरता के साथ में, सारे कार्यकर्ता पूरे देश भर के आज उदयपुर में आए हुए हैं और सबको पूरी तरह से सब लोगों का सुझाव मांग रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में 2024 में जब लोकसभा का चुनाव होगा तो कांग्रेस की सरकार केंद्र में बनेगी। और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनकी जो नीतियाँ हैं, जिस तरह बदले की भावना से काम करते हैं, और ख़ासकर आपने देखा कि राजस्थान में किस तरह से वो दंगा भड़काने की बात कर रहे हैं, भाई को भाई से लड़ाने की बात कर रहे हैं। अभी आपने 3-4 जिलों में जिस तरह की घटनाएं देखी, मैं उसकी निंदा करता हूं। और जो दंगाकारी हैं, जो उड़दंगी लोग हैं, उपद्रवी लोग हैं, उनके खिलाफ राजस्थान सरकार ने कड़े कार्य किए हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। और मुझे पूरा विश्वास है कि राजस्थान प्रदेश शांत प्रदेश है, इस तरह के जो लोग हैं दंगा भड़काने में जो लोग ज़्यादा विश्वास रखते हैं, ऐसे लोगों की बातों में नहीं आएंगे। जहाँ तक देवनारायण बोर्ड का मैं अध्यक्ष हूँ, उसकी योजनाओं की बात है, अभी तक लगभग 1555 करोड़ के आसपास की जो व्यय राशि उस पर खर्च हुई है, पूरा कार्य पूरे प्रदेश में चल रहा है। अभी कई जगह छात्रावास हैं जिनका मैंने निरीक्षण किया है, कई चीज़ों की खामियां भी वहाँ पाई गई हैं और निश्चित रूप से जो कमियां पाई गई हैं उसको हम ठीक करेंगे। और जो देवनारायण बोर्ड की जो योजनाएँ हैं उनको हम धरातल पर लेके आएंगे। और एक विशेष रूप से मैंने देखा है कि लंबे समय से पद रिक्त चल रहा था, माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत साहब का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, और हमारे साथी हमारे खुशवीर सिंह जी जो स्थानीय विधायक हैं, जिनकी अहम भूमिका हमारे सारे कार्यक्रमों में रहती है, हमारे समाज के साथ हमेशा जुड़ के रहते हैं। और अभी भी हम श्री गणेश जी की और श्री बहनों जी की मूर्ति का अनावरण करके आए हैं, उसमें भी आप उस कार्यक्रम के अध्यक्ष थे। समाज का विशेष प्यार आपके प्रति रहता है और आपने हमेशा हमारे समाज का, गुर्जर समाज का साथ दिया है, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ। इस क्षेत्र में विकास जिस तेज़ गति के साथ में चल रहा है उसका श्रेय हमारे स्थानीय लोकप्रिय विधायक जी को जाता है, माननीय मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने एक के बाद एक बड़ी योजनाएं इस विधानसभा को दी हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। राज्यसभा के चुनाव 10 जून को हैं, निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी सत्ता में है और बड़ी संख्या में हमारी 3 से 4 सीटों पे चुनाव है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 3 तो हम आ ही रहे हैं, हो सकता है कि हमारा ताल 4th सीट पर भी लग जाए।